साथियों, आज आप सभी देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों का कितना लाभ किया है। अब छोटे छोटे खर्चे के लिए किसानों को यहां वहां भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब हमने ये योजना शुरू की थी तो यहां कांग्रेस और जेडीएस की ही सरकार थी, लेकिन ये लोग लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में ही रुकावटें पैदा करते थे, लिस्ट नहीं भेजते थे। बताओ, आप सोच सकते हैं कांग्रेस जेडीएस को किसानों से कितनी नफरत है। राज्य सरकार को एक नया पैसा नहीं देना था, पैसा हम दिल्ली से भेज रहे थे। उनको तकलीफ ये थी कि बीच में कोई कटकी नहीं हो रही है, माल खाने को मिल नहीं रहा है, ये सीधा उनके बैंक खाते में जा रहा है, इसलिए लिस्ट ही नहीं देते थे। साथियों, जब कर्नाटका में भाजपा की सरकार यहां आई तो उसने यहां के लाखों किसानों के नाम केंद्र की हमारी सरकार को भेजे। आज उसी वजह से यहां के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अगर हर किसान के लिए 6000 रुपया भेजे तो यहां की भाजपा सरकार ने उसमें 4000 रुपया और जोड़ दिए, यानी किसानों को और ज्यादा मदद। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ कर्नाटका के लगभग 60 लाख किसानों को मिला है। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर 18000 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए तो यहां बीदर के किसानों को दिए गए हैं। आप जरा याद कीजिए कि कैसे कांग्रेस की सरकार भोले भाले किसानों को हर चुनाव के पहले कर्ज माफी के नाम पर धोखा देती थी। चुनाव से ठीक पहले वो किसानों के कर्ज माफी का ड्रामा करने लग जाते थे और कर्ज माफी धरती पर कभी उतरती नहीं थी। ये इन्होंने छत्तीसगढ़ में वादा किया, राजस्थान में वादा किया, अभी तक किसानों के खाते में कुछ गया नहीं है। और जो जाता था वो भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए कुछ ही किसानों को जाता था। ऐसे किसान जिनका बैंक में खाता हो, जिन्होंने बैंक से लोन लिया हो, उन्हीं के नसीब में ये कुछ दाना पानी डाल देते थे। जबकि सच्चाई ये थी कि जिन करोड़ों छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उनको तो न कभी बैंक में खाता था, न बैंक ने कभी वो एक रुपये का उनको लोन दिया था। वो तो बेचारे बाहर से, बाजार में से, साहूकार के पास से महंगे ब्याज से कर्ज उठाते थे और कर्ज माफी का फायदा उनको तो कभी नसीब ही नहीं होता था। कांग्रेस का असली यही चेहरा है।